पहला शब्द क्या कहा कि पहलवान या तो रोता नहीं, रोया है तो मामला गंभीर है। भैया आरोप नहीं है ये, इन्होंने जो भी कहा होगा सबूत के आधार पर कहा होगा। अभी तो आप आरोपी मानेंगे, बोलेंगे इन बच्चों को झूठ क्यों बोलेंगे? अरे जब तुम मेरे रैपट मारोगे तभी तो मैं कहूंगा कि मेरे रैपट मारा, और जब मेरे रैपट नहीं मारा मैं झूठ बोलूंगा। मंत्री है, फेडरेशन पे आरोप लगा रहे हैं कि शोषण करते हैं। देखिए जब देश का पहलवान रोया है, हाल में तो पहलवान कभी रोता नहीं, और अगर वो रोया है तो मामला बहुत गंभीर है, और इस गंभीरता को समझते हुए सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो इनकी मांग है, पहलवान क्या मांगता है? सुविधाएं मांग सकता है पहलवान तुमसे, और कुछ तो मांगता नहीं। और अगर तुम सुविधाओं में भी उनका शोषण करोगे तो वो फिर देश के लिए मेडल कैसे लाएगा? पहलवान को टेंशन फ्री करिए, जो उनको परेशानी है उसको दूर करिए, जो उनकी डिमांड है उसे पूरा करिए, और पहलवानों को फ्री छोड़ दीजिए, तभी तो देश में मेडल आएंगे। इतना बड़ा देश है और उसमें इतने कम मेडल आना, ये राजनीतिक शोषण है इन लोगों का। और क्या लग रहा है, पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी? देखिए होनी चाहिए, अगर देश की जनता मांग करती है तो सरकारों को सुनना चाहिए, और ये देश के वो पहलवान हैं जो देश का गौरव बढ़ाते हैं। जब ये पुनिया तिरंगा लेकर के उसमें विदेश में जब उसमें घूमता है तो तब देश का सम्मान बढ़ता है, और आज जब विदेशी मीडिया तक को ये पता चलेगा कि भारत के वो पहलवान, वो बेटे बेटियां जो यहाँ तिरंगा इस शान से लहराते थे, आज वहाँ सड़कों पे बैठे हैं न्याय मांगने के लिए, तो क्या भारत का सम्मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, अरे उसे हटाओ, जांच कराओ, झूठा होगा दोबारा आ जाएगा, सच्चा होगा दोबारा आ जाएगा, झूठा होगा सजा दो। बच्चों ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच तो करोगे, और जब तक वो पद पे बैठा रहेगा उसकी जांच होगी नहीं। क्या लग रहा है ये, मतलब आपको लगता है कि इनकी मांगे मानी जाएंगी? आप जिस तरह क्यों नहीं मांगी जाएंगी, लड़ेंगे जीतेंगे। इनमें कोई सा भी एक ऐसा नहीं है जो राजनेता का बेटा हो, ये किसान और मजदूर के बेटे वही आते हैं। राजनेता का कोई बेटा पहलवान नहीं बनता, ना उनमें इतनी ताकत है। ये तो वो लड़के हैं, अगर ये अपनी पे आ गए ना, देश के अंदर कई लाख अखाड़े चलते हैं और उन अखाड़ों के ये पहलवान हैं। आप क्यों आए हो यहाँ? हैं? क्यों ये कोई मैं आने में कोई बैन है? हमारे परिवार के बच्चे सड़कों पे बैठे हैं और हम घरों में रहें, तो ये दुर्भाग्य है। सबको आना चाहिए, पूरे देश को आना चाहिए। किसान और मजदूर का बेटा, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला बेटा बेटिया आज सड़कों पे बैठे हैं, तो सारे देश को इनके समर्थन में आना चाहिए। आप समर्थन देने आए? मैं समर्थन क्या, मैं तो इनके साथ ही हूँ। समर्थन क्या हो, समर्थन वो होता है जब इनके साथ खड़े होंगे। ऐसे नहीं है मैं घर बैठ के कह दूं मेरा समर्थन है, तो घर बैठ के तो प्रधानमंत्री भी कह देगा मेरा भी समर्थन है। तो इन्हें वो समर्थन नहीं चाहिए, इन्हें इनका साथ चाहिए। इन्हें तो इनका साथ दीजिए, सरकार को न्याय करना है, इनके न्याय के लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा, और सबको इनके साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका सम्मान गिरा तो देश के अंदर मेडल नहीं आएगा कभी। जिस तरह से आप लगातार सरकार को चेतावनी देते रहते हो कि आंदोलन होगा, तो आप यहाँ पर आंदोलन करने आए? देखिए मैं आंदोलन, देखिए ये बच्चों की लड़ाई है, जो बच्चे निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय में उनके साथ रहूंगा। मैं आंदोलन के लिए कैसे कह दूं, लड़ाई बच्चों की है, वो लड़ रहे हैं, वो अगर ये कहेंगे आंदोलन करना तो इनके साथ, वो कहेंगे सड़क घेरनी है इनके साथ, वो कहेंगे सरकार का मुक्का मारना तो इनके साथ, जो ये बच्चे कहेंगे वही करूंगा। कौन कौन बच्चे? अरे मैं सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार का ही तो वो आदमी है, अब करना बच्चों को है। मैं क्या, मैंने पहला शब्द क्या कहा, जो बच्चे निर्णय लेंगे हम उनके उस निर्णय के साथ खड़े भाई मिलेंगे। देखिए मैंने पहला शब्द क्या कहा कि पहलवान या तो रोता नहीं, रोया है तो मामला गंभीर है, और उस गंभीरता को देखते हुए सरकार को तुरंत उसे हटाना चाहिए पद से, फेडरेशन के पद से, और उसकी जांच करानी चाहिए निष्पक्ष, और जो जांच में होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात इतना आगे चली गई कि सुसाइड करने वाली तक बात आ गई, लेकिन अब जाकर रोड पे आए। देखिए बच्चों को सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है, और ये पहलवान लोग हैं, ये ज्यादा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। सुसाइड करने के ये पहलवान तो बकवास करने पर खड़े हैं, वो भाई सरकार को देखना चाहिए, गवर्नमेंट की प्रेशर हो रहा है, तो बड़ा काका क्या करेगा, आखिर सुसाइड करेगा और क्या करेगा? वायरल भाई अपनी वोट का किसान आंदोलन हरेंद्र साहू का पूरा सपोर्ट मांग सरकार दे रहा है, लेकिन संगठन में हो रहा है ना गड़बड़ हो रही है, तो भाई उस चीज का पूरा सरकार की ओर तय जांच होनी चाहिए उस चीज की, तो भाई पूरा काम होना चाहिए। और भाई याद रखा है जितने भी भाई गांव गांव हट गए पहलवान, यहाँ के माता पिता है, दो भाई जड़ रहे हैं मट्टी से, वे आओ और भाई सपोर्ट करो आठ बैठ कर।
दूर दूर तक घर का करिए कुछ नहीं है भाई, आड़ा आओ और सपोर्ट करो। जब हम दिखेगा हरियाणा है भाई, आना पड़ेगा, खिलाड़िया काम है, कदे तक खिलाड़ी उठने लग रहे हैं, आओ और सपोर्ट करो भाई। अभी अभी पहलवान है भाई, करी थी मैंने पहलवानी भाई, मेरी कमर में चोट लग गई, नेशनल टाइम का खिलाड़ी भाई। आपने देखा होगा कि पहलवान अक्सर बोलते हैं हरियाणा में काफी मामले ऐसे हुए, वो बोलते हैं कि शोषण होता है उनके साथ में, मतलब अन्याय होता है। भाई देखो अन्याय तो ये बड़े पोल खोल ली, जो सिस्टम था जो हमारे सीनियर पहलवानों ने पोल खोल दी, ठीक है, बाकी जो तुम करोगे वो थारे ऊपर है। शोषण होगी सरकार तो बात ठीक है, सरकार करवाओगी जांच, जब अंडर का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब शोषण हुआ उसी टाइम में आवाज नहीं उठाई, अब जाकर के आवाज भाई भी ये बतानी नहीं शोषण भाई, जो मेन हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वे तो बताओगे ये हम कितना बताओ भैया चीजें, हमारी ओर तो सपोर्ट करना है। अरे भाई हमारी गुजारिश है जितने भी हमारे कुश्ती के भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो सपोर्ट से जुड़ रहे हैं, वह उन्हें सपोर्ट से सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चे है आरोप, भैया आरोप नहीं है ये, इन्होंने जो भी कहा होगा सबूत के आधार पर कहा होगा, अभी तो आप आरोपी मानेंगे, बोलेंगे इन बच्चों को झूठ क्यों बोलेंगे। अरे जब तुम मेरे रैपट मारोगे तभी तो मैं कहूंगा कि मेरे रैपट मारा, और जब मेरे रैपट नहीं मारा मैं झूठ बोलूंगा? तो ये बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, जो देश के लिए मेडल लाते हो वो बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो आप इनके साथ खड़े हो? बिल्कुल हम इनके साथ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं सब, और देश के जितने भी बच्चे किसी भी खेल में हैं, किसी भी खेल में हो, उनको सबको साथ आना चाहिए, उनके माँ बाप को आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ देश की हर जनता को बच्चों के साथ खड़ा रहना। आपने कहा किसानों के बच्चे, किसान कहाँ तक साथ देंगे? किसानों के बच्चे किसान कहाँ तक साथ देंगे? कहाँ तक साथ देंगे? अंतिम जब तक इन बच्चों की लड़ाई का फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक इनके साथ रहेंगे। अभी तो फिलहाल कोई जवाब नहीं आया कहीं से? आएगा, तुम तो ये कर रहे हो जवाब नहीं आया, ये जाकर सवाल सरकार से पूछो। हम अपनी बात कह सकते हैं, सरकार के हिस्से की बात मैं कैसे कह दूंगा, ये सरकार को करना, आप इनके साथ हमारा काम है लड़ाई लड़ना। और तो आप आंदोलन मोड़ में ही रहते हैं हमेशा। ये देखिए यहाँ बात करिए सिर्फ बच्चों की, बच्चों की बात, आंदोलन क्या होता है उसका, मैं आंदोलन करने नहीं आया, मैं बच्चों के साथ आया हूँ। जिस दिन बच्चों ने आंदोलन की कह दी उस दिन इनके साथ भी खड़ा रहूं मैं। ये आंदोलन नहीं है, ये भी तो आंदोलन नहीं है, ये अभी प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट आंदोलन ही है। प्रोटेस्ट और आंदोलन में बहुत अंतर है। आप ग्रेजुएशन किए दो हिंदी में आंदोलन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोटेस्ट। ना ना ना, वो देखिए ये एक दिन की ये यहाँ पे जो होती है, जिस दिन आंदोलन की बात आएगी एक जगह ली जाएगी और पूरे देश उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे, किसान और मजदूर आएगा, तब इनसे लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये महिला रेसलर विनेश फोगाट है और उनके साथी जो दो दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं। ये देश की वो बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर के इनको देश के राजधानी जंतर मंतर पे आना पड़ा। विनेश फोगाट और उनके महिला रेसलर साथी, पुरुष रेसलर साथी जो कि आकर के जंतर मंतर अपने कोच पर, और बीजेपी के एक नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह हरियाणा से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है और ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ फीमेल यानी महिला रेसलर के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दो दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसमें से कुछ पहलवान ऐसे भी है जो ओलंपिक भी देश के लिए खेला है और मेडल भी लेकर के आए, लेकिन आज सड़कों पर इंसाफ की उम्मीद लगा करके दिल्ली के जंतर मंतर